हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पावर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। ये एक डिटेल वीडियो है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएससी और सिविल पुलिस दोनों की कट ऑफ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है। कट ऑफ एग्जाम के लेवल और नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर लेवल जो एग्जाम का होता है अगर वो टफ है तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अगर एग्जाम का लेवल इजी है तो इसका मतलब है कट ऑफ इजी जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें हम दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कितना भी बढ़ सकता है। तो अगर आपने जितने अटैम्प्ट किए उसके हिसाब से आप इस कट ऑफ को देखें, ना कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। अगर हम बात करें कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन को मिला के ज़्यादातर हाई जाती है। तो मैं इस वीडियो में जो कट ऑफ बताऊंगा वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर उसमें मार्क्स जुड़ते हैं, आपने अगर इतने क्वेश्चन किए हैं तभी इसको सच माने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को मिला के कट ऑफ हाई जाती है। अगर आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कट ऑफ दो बार में रिलीज होती है, कम पहले हाई जाएगी फिर कम। तो इस बिल्कुल भी निराश ना हो कट ऑफ देख के, क्योंकि दूसरी बार जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी कम जाएगी, कम से कम 10 नंबर कम जाएगी। कट ऑफ दो बार में आएगी, पहली बार में जो डेढ़ गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे तो उसकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है, और फिर दूसरी बार में जो कट ऑफ आएगी उसमें तो 25 लिए जाएंगे और उसकी कट ऑफ थोड़ी कम होती है फर्स्ट टाइम से। तो आप अगर ये आपको लगता है कि ये जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है तो उससे बिल्कुल भी निराश ना हो और अपनी जो रनिंग है उसको स्टार्ट कर दें। अगर आपके इस कट ऑफ के आसपास नंबर बन रहे हैं, पेपर पिछली बार के हिसाब से थोड़ा टफ था तो डेफिनेटली कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को मिला के कट ऑफ हाई जा सकती है। अगर हम बात करें पीएससी की कट ऑफ की तो जनरल 170 to 175 मार्क्स, ये मार्क्स हैं और आगे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। ओबीसी 165 मार्क्स, एससी 160 मार्क्स, एसटी 155 मार्क्स, ये कोई श्योर नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। अगर आपने इसके आसपास पाए 5 या 6 नंबर कम या ज़्यादा अगर आपने इससे आ रहे हैं तो आपको तुरंत रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर जनरल में 87 प्लस क्वेश्चन आपने किए हैं तो बहुत ही अच्छा है ये। ओबीसी 83 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन एससी के लिए और एसटी के लिए 75 क्वेश्चन। अगर आपने पीएससी की कट ऑफ कम जाती है एज कम्पेयर टू सिविल पुलिस, सिविल पुलिस की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। अगर आपको अंतर देखना है पीएससी और सिविल पुलिस में, सिविल पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है और पीएससी जब कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है उसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है तो उसमें पीएससी को बुलाया जाता है। तो इसमें जनरल 170 to 175 कट ऑफ जा सकती है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ते हैं तो ये 200 पार कर जाएगी। सिविल पुलिस जनरल की 185 to 190 जा सकती है, ओबीसी 175 to 180, एससी 165 to 170 और एसटी 155 to 160। आप देखें यहाँ पे सिविल पुलिस की कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ये जाएगी, लेकिन इससे 5 या 6 नंबर कम या ज़्यादा ही जाएगी। इससे ज़्यादा कोई भी स्कोप नहीं है कट ऑफ का जाने का। तो अगर आपने इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अगर आपने इतने अटैम्प्ट किए और आपको श्योरिटी है कि इतने मार्क्स मेरे नेगेटिव काट के आ जाएंगे तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा बताया कट ऑफ दो बार में आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट नहीं होते तो सेकंड टाइम में ज़रूर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, कट ऑफ इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर हम फीमेल की बात करें पीएससी 150, अगर आपने 150 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिविल पुलिस के लिए 155 थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 155 से 160 इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो आपको सबसे पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में निकाल फिजिकल में निकाल दिए गए, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आपके इतने मार्क्स आए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अभी से रनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, फिजिकल को एकदम आपको रेडी रहना है। अगर रिजल्ट डेट की हम बात करें तो सितंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है। सितंबर में कब, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 1 से लेकर 10 तारीख तक सितंबर में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट के बाद आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से इस कट ऑफ को देखकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। अगर आपके इसमें ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए कट ऑफ 180 और आपके 140 के मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अगली जो 52,000 की भर्ती वो जल्द ही होने वाली है, उसके लिए अभी से आपको तैयारी शुरू
कर देनी चाहिए। लेकिन आपको अभी बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, अगली भर्ती होगी उसमें आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अभी से फोकस करते हैं अपनी चीज़ों पर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।